वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछेंगे बिल्कुल एग्जाम क्वेश्चन पेपर जैसा 15 इम्पोर्टेंट सवाल और उसके जवाब भी बताएंगे, साथ में डिटेल्स भी दिए जाएंगे। ध्यान रहे, आपको इन 15 सवालों में कम से कम 7 सवालों का सही जवाब देना अनिवार्य है। ध्यान से खेलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, नीति आयोग की अध्यक्ष कौन है? ये सवाल कल Q4U में पूछे गए थे। आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो आंसर सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन हार्ट जो आपको सवाल के बारे में बताएंगे, यदि आपको लगे कि क्वेश्चन हार्ट हमें देखना चाहिए तो आप वीडियो को वहीं रोक सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, कलिंग का युद्ध डैश में हुआ था, कब हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन हार्ट आपको जरूर देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर तीन, प्लेइंग इज माई वे पुस्तक के लेखक का नाम बताएं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सचिन तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर फोर, इसरो ने भारत के पहले उपग्रह का निर्माण किया जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। भारत के पहले उपग्रह यानी कि सैटेलाइट का नाम क्या है? आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर फाइव, इन भारतीय संगीत दिग्गजों में से सितार वादक कौन है? इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में कम से कम एक जरूर आते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रविशंकर पंडित। क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भारतीय मूल के थे और जिसे चिकित्सा शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था? क्वेश्चन एक बार फिर से, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भारतीय मूल के थे और जिसे चिकित्सा शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर अरविंद खुराना। सवाल अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे वर्क करता है। और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के लाइक बटन पर क्लिक करके लाइक जरूर कर दीजिए और आप चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर सात,
संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? करंट का ताजा सवाल है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 8, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। और आपको क्वेश्चन हट जरूर देखना चाहिए, जहां से आपके एग्जाम में एक सवाल आते हैं। नौ रत्न थे इनके दरबार में, वे कौन कौन थे आपको पता है? यदि नहीं पता है तो क्वेश्चन हट आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124A के अंतर्गत क्या आता है? ये सवाल हाल ही के SSC MTS एग्जाम में आए थे। राजद्रोह के अंतर्गत आते हैं, राजद्रोह कहिए या देशद्रोह। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी को डैश में स्थापित किया गया था, ये सवाल हाल ही के BPSC एग्जाम जो हुए हैं उनमें आए थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 27 दिसंबर 1925 को। क्वेश्चन नंबर 11, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया गेट। इंडिया गेट को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सत्य का। क्वेश्चन हट आपको जरूर देखना चाहिए, जिससे आपके नॉलेज बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, दूरी का सूत्र क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गति इनटू समय। क्योंकि आपने पढ़ा होगा समय इक्वल टू टाइम इक्वल टू क्या, समय इक्वल टू दूरी बट्टा चाल, टाइम इक्वल टू डिस। तो क्लियर है, समय इक्वल टू दूरी बट्टा चाल होता है, तो उसी से आप निकाल सकते हो कि दूरी इक्वल टू गति गुने समय, स्पीड गुने टाइम। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व पशु दिवस निम्न में से
किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4 अक्टूबर को। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए एक सवाल है। भांगड़ा डांस का लोक नृत्य है। भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? यदि आपको राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पे लिखिए क्यू फॉर यू और इसके राइट आंसर। वीडियो के सभी सवाल अच्छे थे, इसलिए आप इस वीडियो को शेयर भी करिए, जो करेंगे उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने एग्जाम पेपर के पिछले एपिसोड पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, जिससे आपके नॉलेज बढ़ेंगे और आप हमारे साथ रेगुलर जरूर रहिए। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।